इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं यह बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना होगा कि फ़्लो चार्ट क्या है। तो फ्लो चार्ट है एक तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो फ्लो चार्ट क्या है? एक तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो यह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का है? यह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का। यह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का। यानी कि आप फ्लो चार्ट को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? तो इस फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट तरह के सिंबल्स, शेप्स और एरोज। ये सभी इस्तेमाल होते हैं फ्लो चार्ट में। तो यह इनके फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने से क्या होता है? इनके फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने से एक फ्लो चार्ट ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और ईजी टू अंडरस्टैंड लगता है। इसीलिए एक फ्लो चार्ट में इन सारे सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ शेप्स, एरोज और सिंबल्स की मदद से हम फ्लो चार्ट में डिफरेंट प्रोसेसेस को भी आसानी से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को। तो यह तो हुआ फ्लो चार्ट का एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। यदि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाहें तो हमें कुछ इस तरीके से समझना होगा कि एल्गोरिथम से हम इजीली प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी हम एल्गोरिथम के माध्यम से प्रोग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन यदि हमें एल्गोरिथम के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट प्रोसेस को एनालाइज करना है तो हमें उन प्रोसेसेस से रिलेटेड डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर जो फ्लो चार्ट है इस तरह के डायग्राम को क्रिएट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। क्योंकि जब हम फ्लो चार्ट में डायग्राम क्रिएट करते हैं तब हम प्रोसेसेस को अच्छे ढंग से एनालाइज कर पाते हैं। इसीलिए फ्लो चार्ट का इस्तेमाल होता है। फ्लो चार्ट में कुछ ग्राफिक्स स्टैंडर्ड या फिर ग्राफिक्स के लिए कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप डिफरेंट प्रोसेसेस को या डिफरेंट एलिमेंट्स को बताते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से ग्राफिक्स स्टैंडर्ड या कौन कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक इस तरीके के बॉक्स का यूज़ किया जाता है। इस तरह के बॉक्स को हम बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स। इसकी मदद से स्टार्ट या फिर एंड को दर्शाया जाता है। यहाँ पर एंड का मतलब यह है कि एंड को हम स्टॉप भी कह सकते हैं एंड को हम
स्टॉप भी कह सकते हैं। तो ये हुआ एक तरीके का पहला ग्राफिक्स स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट में। इसके बाद और भी ग्राफिक्स स्टैंडर्ड होते हैं या और भी सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट में, जैसे कि इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के लिए इस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट या आउटपुट को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है प्रोसेस या फिर इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रोसेस और इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए जो भी सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा, एक कॉमन सिंबल रहेगा। प्रोसेस और इंस्ट्रक्शन के लिए जो भी सिंबल रहेगा वो एक कॉमन सिंबल रहेगा। तो प्रोसेस या फिर इंस्ट्रक्शन के लिए, इस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस या इंस्ट्रक्शन के लिए इस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है डिसीजन। डिसीजन को दर्शाने के लिए एक डायमंड शेप के बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ इस तरीके का हो सकता है। इसको अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके डिसीजन को दर्शाने के लिए इस तरीके के डायमंड बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है कनेक्टर या एरो। तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के एरो का इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, एरो में आपको इस तरीके का एरो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके का एरो, ये भी सही है। और एक और तरीके का एरो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए दोनों तरह के एरो का इस्तेमाल हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।